कई बार ऐसा होता है ये कंपलसरी थोड़े टफ लग रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि कंपलसरी को सबसे पहले ही करें, बेटर स्टार्ट ऑफ विद अ क्वेश्चन जिसको आपको थॉरली आता है. तो आई यूज टू मार्क कौन से पांच क्वेश्चंस करने हैं, वन और फाइव तो करने हैं, उसके अलावा तीन कौन से करने हैं, प्रायोरिटाइज करके उसके बाद मैं करता था. तो एंड आई अप्लाइड इट, और 2019 में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज जो 2018 में मैंने गलतियाँ की थी, जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट नहीं किए सही से और गलतियाँ काफ़ी कैलकुलेटर से मिस्टेक की, तो ये सब मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करी थी बिफोर दिस ईयर्स पेपर और वो मैंने मिस्टेक्स अवॉइड की. Hello learners, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. This is Akshat, your host for today. UPSC dwara conducted engineering services examination is scheduled on 5th of January. आपके सारे doubts, आपके सारे questions, एक साल की journey, एक साल की preparation का अब time आ चुका है. इन doubts, इन questions को clear करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं अबुजर गफारी, जो 2019 batch में UPSC civil engineering में rank 1 लेके आए. Hello Abuzar, welcome to the show. Thanks. First of all, many congratulations. Thank you. It's a really tough examination, ये हम सब जानते हैं. It's a journey जो आपने करी है. So why not start off with how has this journey been? एक साल की preparation जो आपने रही है, ये preparation कैसी रही है? I think we all know कि UPSC के जो exams होते हैं वो 3-tiered होते हैं. There's a prelim, there's a mains, and there is interview. तो journey is quite long. Yes. So I would call that it's a marathon rather than a sprint. तो throughout the journey you have to maintain your calm. There will be some moments where you will doubt yourself. Yes. So in all those moments you just have to be patient and keep looking towards your target. So this journey बहुत अच्छी रही है, मतलब मेरी journey अगर हम देखें. First of all 2018 में मेरा पहला attempt था. उस time मेरा 61 rank था. और this time 2019 में this was my second attempt. एंड फॉर्चुनेटली मेरा फर्स्ट रैंक इस बार. तो एंटायर जर्नी जो है बहुत अच्छी रही है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. आई वुड से फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मोर डिफिकल्ट, बट द वन विच आई जस्ट रोट इट वाज, मतलब वो काफ़ी अच्छा रहा. सो आपने बताया कि AIR 61 इन 2018, AIR 1 इन 2019. तो पहली बात तो ये 3-tiered एग्जामिनेशन, और दोनों में आपने क्रैक करा विद अ वेरी गुड रैंक. सो आपने ये मोटिवेशन, ये काम, ये आपने कैसे रखा? व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड फॉर दिस? सबसे पहले मुझे जो लगता है, जब मैंने 2018 में एग्जाम लिखा था तो मैं दिल्ली में था. सो आई वाज विद माय फ्रेंड्स, ऑल्दो आई डिडंट जॉइन एनी कोचिंग, बट दो तीन लोग का हमारा ग्रुप था जो कि सिमिलर माइंडेड लोग थे एंड कॉलेज में सेम थे, तो अच्छे से एक दूसरे को जानते थे, तो वी आर वेरी कंफर्टेबल. तो दिल्ली में रहने का थोड़ा सा ये रहता है कि काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है. आप घर से बाहर भी हैं और वहाँ का वेदर भी उतना अच्छा नहीं होता है, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल भी करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी होती है. वो एक एस्पेक्ट तो है ही सही. प्लस 2018 में मैंने मेंस में काफ़ी सारी गलतियाँ की थी. और इस बार अगर मैं कंपेयर करता हूँ अपने फर्स्ट अटैम्प्ट से सेकेंड अटैम्प्ट को, तो सबसे अच्छी बात रही कि मैं घर पर था. आई वॉज इन इंदौर. तो घर पर रहने का एक जो मतलब माइंड काम रहता है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मेनी थिंग्स, सारी चीज़ें घर वाले देख लेते हैं. उसके अलावा आप अपना पूरा जो फोकस है वो पढ़ाई की तरफ और अपने एग्जाम की तरफ लगा सकते हैं. जब मेरा 61 रैंक आया था तो मेरा मन ये था कि मैं रेलवे ज्वाइन करूं, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम उस रैंक तक नहीं मिला था. तो एक मोटिवेशन वो भी था कि जो चीज़ अचीव करनी है, जो चीज़ चाहिए, उसके लिए फिर से एग्जाम देना था. आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एक बार रैंक आने के बाद मोटिवेशन बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होता है. तो वो चीज़ काफ़ी चैलेंजिंग थी. और मेन मुझे जो डिफरेंस समझ में आता है कि घर पर रहने का मुझे काफ़ी एडवांटेज रहा, घर पर रहकर तैयारी करने का. और बाकी जो गलतियां फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी वो एनीवे इंप्रूव करने का उस पर मौका भी मिला. तो मेजर डिफरेंस वही लग रहा है मुझे. What was your family's role? आई थिंक सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड, अगर ब्रीफ बैकग्राउंड डिस्क्राइब करूँ, तो मैं फादर इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, सो ही रन्स अ स्टेशनरी शॉप इन द होम टाउन इटसेल्फ. तो मेजर जो सपोर्ट है, हमेशा सपोर्टिव रही है फैमिली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी सक्सेस में वो आपकी फैमिली प्ले करती है. जब ट्रस्ट आप में रखना और आपको मोटिवेट करना और आपको हमेशा सपोर्ट देते रहना बेसिकली, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था. और घर पर रहने का मुझे काफ़ी फ़ायदा भी मिला. और उसके अलावा कंप्लीट सपोर्ट रहा है पेरेंट्स का थ्रू आउट द एजुकेशन. मतलब मैंने कोटा, जब मैं कोटा गया था तैयारी करने के लिए, जब भी उन्होंने मेरे डिसीजन को सपोर्ट किया. फिर IIT में एडमिशन हुआ, उसके बाद भी जॉब मैंने छोड़ा, मैं एक साल मैंने बैंगलोर में वर्क किया है. तो उस टाइम थ्रू आउट द जर्नी ऑल माई डिसीजंस वर बींग सपोर्टेड. तो आई थिंक इट प्लेज अ ग्रेट रोल फैमिली. सो आप हमेशा से ही एक एकेडमिकली साउंड स्टूडेंट रहे हैं. IIT कानपुर, देन यू हैड वर्कड इन बैंगलोर, देन यू क्रैक्ड सिविल सर्विसेज. इट्स ग्रेट. It's absolutely great. So let's start off with examination prelims की आने वाली है 5th of January को, जैसे हमने शुरू किया था. So let's start off with section wise, मतलब prelims पे पहले आते हैं. What are the do's and don'ts? What should be your strategy upcoming 30 days में, जो आप बताना चाहेंगे?
सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि सिर्फ लास्ट वन मंथ बचा है, तो मोस्ट और लेस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है वो होता है टेस्ट सीरीज। बेसिकली ये लास्ट टाइम है, तो अब आप जो टेस्ट दे रहे हैं उनको एकदम सीरियसली दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट कि कुछ नया मत पढ़िए। मुझे ये लगता है कि अब सिर्फ 30 डेज बचे हैं, तो पूरा फोकस रिविजन पे होना चाहिए। कुछ नया पढ़ने का सेंस नहीं है, बिकॉज जो ऑलरेडी पढ़ रखा है आप लोगों ने, जो भी एस्पिरेंट्स अभी दे रहे हैं एग्ज़ाम, उसको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। प्री के लिए देखें हम लोग, तो अगर GS की सबसे पहले बात करते हैं, पेपर 1, तो यू कांट इग्नोर दैट पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में जब लोगों ने दिया था 2017 में पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस टाइम काफ़ी लोगों ने उसको लगा था कि यार ठीक है 200 मार्क्स का ही है। नाउ इफ़ यू सी कि GS की वजह से काफ़ी मार्क्स वेरिएशन आ रहा है और काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, आई हैव मेट विद सम पीपल, अगर GS पे ध्यान ना दें तो। GS के लिए मेरा एस्पिरेंट्स के लिए स्ट्रेटेजी ये है बेसिकली कि जो भी बुकलेट्स आपने जहाँ से भी पढ़ा है उसको फिर से एक बार रिवाइज करिए, और मेजर पार्ट आप मेजर एनर्जी जो इन्वेस्ट कीजिए वो आप एक बार टेस्ट जो टेस्ट सीरीज है बेसिकली आप टेस्ट लगाइए और आपका एनालाइज कीजिए कहाँ गलती हो रही है। सबसे मेजर प्रॉब्लम GS में क्या आती है कि क्वेश्चंस काफ़ी डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट इन द सेंस कि काफ़ी क्वेश्चंस आपको पता नहीं होते हैं, डोमेन बहुत बड़ा होता है राइट। तो आपने जहाँ से भी पढ़ा है उसको फिर से एक बार पढ़ लीजिए। उसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि एलिमिनेट कैसे करना है क्वेश्चंस वहाँ पर, क्योंकि ऐसा होता है कि 100 में से आपको सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आई वुड एडवाइज एस्पिरेंट्स टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 85+, बिकॉज सिंपल मैथ से 170 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे तो 110-120 वुड बी वेरी गुड स्कोर। अगर आप लेस अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स कमाएंगे। तो एक एलिमिनेट करना होता है वहाँ पर ऑप्शंस को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पता होते हैं। तो वो आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए, देखिए क्या कौन सा स्ट्रेटेजी बैठ रहा है, क्या करने पे सही हो रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। तो 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, और एलिमिनेशन वाला और जो थोड़ा गेस वाला एबिलिटी वो अपना डेवलप करिए, और जहाँ से भी आपने पढ़ा है वहीं से पढ़ लीजिए फिर से एक बार प्री के पहले, कुछ नया मत पढ़िए, दैट इज़ फॉर प्री। एंड फॉर टेक्निकल अगर हम बात करते हैं तो 3 आवर्स का होता है विदाउट कैलकुलेटर होता है, लास्ट 1 मंथ रिमेनिंग है। मेरा एडवाइस है कि आप जितने भी फॉर्मुलेज आपने लिख रखे हैं उसको फिर से रिवाइज करिए, और जो भी टेस्ट आप पहले दिए थे या देने वाले हैं उनको एनालाइज करिए। जो भी गलती हुई है आप लोगों से उसको लिख लीजिए, दैट आई थिंक आई यूज टू डू बेसिकली। मैं क्या करता था, जो गलती टेस्ट में होती थी वो मैं लिख लेता था, बिकॉज एग्जाम में काफ़ी माइनूट डिफरेंस प्ले करता है, मतलब छोटी सी गलती काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकती है, राइट। तो वो चीज़ ध्यान रखना है, और स्पीड का हमेशा ध्यान रखिए, बिकॉज पेपर लास्ट 2 ईयर से काफ़ी कैलकुलेटिव आ रहा है। तो आई वुड एडवाइस एवरीवन कि 120-110 से ऊपर अटेम्प्ट करिए टेक्निकल में, और कैलकुलेशन के लिए आपकी जो गलतियाँ वो जरूर याद कीजिए, फॉर्मूले एंड में रिवाइज कर लीजिए, दैट इज़ फॉर प्री। और अगर मेंस के लिए बात करते हैं तो मेंस इज़ अ डिफरेंट गेम। प्रीवियस ईयर्स आपके जो भी हैं वो दोज आर द बाइबल एक्चुअली, अगर उसको आप एक बार थॉरली कर लीजिए फिर से। उसके अलावा आप वीक ऑन वीक जो टेस्ट होते हैं उसको आप दीजिए, और सेम थिंग आप एक डेडिकेटेड नोट्स मेंस के अलग बनाइए। ऐसा नहीं कीजिए कि प्री वाले नोट्स ही पढ़ रहे हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है मेंस में डिज़ाइन के क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो उसको लिख के याद करना होता है, और डिज़ाइन का डेटा भी ध्यान रखना होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए मेंस के लिए। और अभी पिछले 2-3 साल से दे हैव इंट्रोड्यूस क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट बेसिकली, उसमें स्पेस कम होता है, तो उसका भी ध्यान रखिए। जब आप आंसर कर रहे हैं तो देख लीजिए कितना स्पेस है, और क्वेश्चन सिलेक्शन भी ध्यान रखिए, बिकॉज 1 और 5 कंपलसरी होते हैं। उसके अलावा सेक्शन ए या बी से आप टोटल 3 करने होते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा टेस्ट के थ्रू। ओके, सो बेसिकली लास्ट मंथ प्रिपरेशन में प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, मिस्टेक्स रिकवर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर्मूले फॉर प्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो जैसे कि GS का बात करते हैं, तो GS में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। सो इज इट कंपलसरी कि 10 के 10 सब्जेक्ट्स पढ़ना ही चाहिए टू स्कोर, या यू शुड चूज अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ? मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में वो ये रहा है कि UPSC काफ़ी मिक्स कर रहा है क्वेश्चंस, मतलब हमें नहीं पता होता। जैसे फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे, सेकंड ईयर में आई फेल्ट कि सिविल वाले क्वेश्चंस जो कि कॉमन टू ऑल लेकिन उन्होंने दे दिए थे, और लास्ट ईयर आई फेल्ट कि रैंडम क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स वर देयर। सो आप कुछ भी स्किप मत करिए। एक बार जैसे अगर मैं डिवाइड करता हूँ GS के सिलेबस को, देर इज मैथ्स विच यू कैन डेफिनेटली सॉल्व, देन देर आर सम टॉपिक्स लाइक एथिक्स जो कि अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, राइट। तो इफ यू रीड वंस देन इट विल बी मोर देन सफिशिएंट, या वंस या ट्वाइस। अगर मटेरियल साइंस देखते हैं जो कि थोड़ा सा क्रैमिंग वाला सब्जेक्ट है, तो उसको आप 2-3 बार रिविजन आपका रिक्वायर्ड होगा बिफोर प्री। होपफुली एस्पिरेंट्स ने 2 या 3 बार तो अभी तक कर लिया होगा, तो एक बार वो रिवाइज कर सकते हैं। तो इस टाइप से डिवाइड करिए, सबको पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन हो सकता हो जो आपका बुकलेट का मटेरियल उससे ना आए, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं आता जैसे कि मैंने बताया। यू हैव टू सी एंड यू हैव टू एलिमिनेट ऑप्शंस बेसिकली। तो मेरा एडवाइस है कि सब एक बार पढ़ लीजिए, स्पेशली मैथ्स जैसे टॉपिक है, एनालिटिकल है, जो डेफिनेटली स्कोरिंग है, उसको अच्छे से कर लीजिए, स्किप मत करिए। मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, एंड आई विल आल्सो एडवाइस कि लास्ट 2 ईयर्स के पेपर जरूर देख के जाइए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है UPSC। अच्छा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो कॉन्सेप्ट जो आपने बताया कि वो रहना बहुत जरूरी है, ऑब्वियसली, क्योंकि प्री इज मोर ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप, और मेंस में तो पूरा इट्स न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो जब आपको पता चला
आई गेस जब आपने पेपर देके आया होगा लास्ट ईयर आप आए थे प्रीलिम्स का तो आपको पता था कि यू विल डेफिनेटली गोइंग फॉर द मेंस सो हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस बिकॉज इट्स अ होल लॉट ऑफ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस जो आपको करना पड़ता है राइट मतलब ठीक है ऑब्जेक्टिव टाइप में यू कैन टेक सम रिस्क बट करेक्ट कैलकुलेटर तो उसमें भी नहीं होता है बट न्यूमेरिकल बेस्ड यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद योर कॉन्सेप्ट विद योर पैटर्न विद योर स्टेप बाई स्टेप फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग तो उसका प्रिपरेशन आपने कैसे किया था फॉर मेंस जैसे प्री खत्म होता है उसके अराउंड वन एंड हाफ मंथ में यूपीएससी रिलीजियस के कौन मेंस लिखने वाले हैं मेरा एडवाइस सबसे पहले ये है कि गेट जस्ट अराउंड द कॉर्नर होता है तो आप गेट दे दीजिए अच्छे से बिकॉज सफिशियंट टाइम है जनवरी में प्री हो रहा है और जून के एंड बेसिकली जून एंड में वी आर हैविंग मेंस 20th जून को राइट 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 टुवर्ड्स द जून एंड तो काफी टाइम होता है तो आप गेट लिख लीजिए बिकॉज दैट ऑल्सो ओपन्स अप मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर पीएससी एंड अदर सेक्टर तो वो भी देख लीजिए उसके बाद ये होता है कि आप टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करिए एज आई टोल्ड अर्लियर के जो प्रीवियस ईयर सारे हैं दोज आर द बाइबल यू हैव टू फर्स्ट सपोज हमने एक टॉपिक पिक किया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम पेपर वन तो आप उसके सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए उससे रिलेटेड जो मेंस के रिलेवेंट नोट्स आपको लग रहे हैं डेटा है या फॉर्मूले हैं फॉर्मूले ऑलरेडी लिखे होंगे प्री के सिलेबस में या और रिलेवेंट डेटा डिजाइन डेटा है उसको लिख लीजिए तो स्टेप बाय स्टेप टॉपिक बाय टॉपिक करिए जैसे ही आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया उसका टेस्ट लगाइए तो बेसिकली मेरा स्ट्रेटेजी है कि फर्स्ट प्रिपेयर कर लीजिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए उससे क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में सभी टाइप के क्वेश्चंस इफ यू सी कि कैलकुलेटिव भी हैं सब्जेक्टिव भी हैं दैट विल गिव अ कंप्लीट आइडिया एक बार आपने वो कर लिया है उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाइए उसके एडवांटेज ये होगा आप एन एग्जाम एनवायरनमेंट में टेस्ट लिख पाएंगे क्वेश्चन का आंसर बुकलेट की प्रैक्टिस होगी कैलकुलेटर कैसे यूज करना है वो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा तो इस तरीके से मैंने टॉपिक बाय टॉपिक स्टेप बाय स्टेप तैयारी किया और सफिशिएंट टाइम होता है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं कंसीडर करता हूं वो ये है कि टेस्ट आप जरूर लगाइए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए एग्जाम एनवायरनमेंट में जाके बिल्कुल सही आपके हिसाब से फ्रॉम एक महीने बाद जब रिजल्ट आता है तब से लेकर जून तक में इट्स गुड टाइम कि आदमी पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं पूरे प्रिपेयर कर सकते हैं एक सिविल इंजीनियर और यूपीएससी ईएसई क्लियर करने के तजुर्बे से मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पिछले 5 सालों में हजारों एस्पिरेंट्स को गाइड करते हुए मैंने इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक यूनिक अप्रोच डेवलप की है मैं जानता हूं कि सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स मुश्किल हैं और इसे प्रिपेयर करने में ज्यादा समय लगता है एक स्मार्ट तरीके से आप अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज करें ये मैं आपको सिखाऊंगा मैं हूं शशि कुमार और मैं ईएसई के लिए अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूं राइट सो अब आता है बात कि आपने जब प्रिपरेशन शुरू करी थी इट वाज कंप्लीटली सेल्फ स्टडी राइट आपने कोई कोचिंग कोई इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया था सो अगर कोई बच्चा आज के डेट में ज्वाइन कर सोचता है बिकॉज इट्स हार्डली 500 सीट्स इन ईएसई एग्जामिनेशन राइट सिविल आई थिंक देयर वुड बी अराउंड 240 समथिंग होता है तो क्या होना चाहिए मतलब एक वो सोचना इज इटसेल्फ अ वेरी बिग डिसीजन राइट सो अभी से कोई बच्चा शुरू करता है हाउ शुड वी स्टार्ट मतलब कि अभी से प्रीलिम्स पे कैसे फोकस करें अभी से मेंस के लिए क्या फोकस करें विल कम टू द इंटरव्यू इंटरव्यू आपका एक्सपीरियंस क्या था आई विल कम टू दैट बट अभी से कोई बच्चा शुरू करता है फॉर वन ईयर क्या करना चाहिए हाउ टू स्टार्ट व्हेन टू स्टार्ट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझसे काफी लोगों ने पूछा भी है जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स स्पेशली थर्ड और फोर्थ ईयर में कैसे स्टार्ट करें और स्पेशली उनका डाउट ये भी कि सर दूर है घर से तो हाउ शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग गेट होती है एसी होती है ले कि नहीं ले राइट 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 तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दिस एग्जाम इज नॉट दैट टफ इट्स नॉट ये ऐसा नहीं है कि बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल का एग्जाम इट्स मोर अबाउट हार्ड वर्क इट्स मोर अबाउट सिलेबस कवरेज तो अगर अभी से कोई स्टार्ट कर रहा है सबसे पहले मेरा एडवाइस है कि जैसे बहुत सारा ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है आजकल मार्केट में इफ़ यू सी अनअकैडमी के वीडियोस हैं देन देर इज एनपीटेल सोर्स है या फिर आपने कोई पोस्टल प्रोग्राम ले रखा है कहीं का दोज आर मोर देन सफिशिएंट और कोई बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है तो माई एडवाइस है सबसे पहले आप टॉपिक को पकड़िए और पूरा कंप्लीट करिए ऐसा नहीं करिए कि सिर्फ प्री के लिए पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं एक वो होता है कि पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लीजिए खुद के नोट्स बना लीजिए राइट तो ये सबसे पहले करिए उसके बाद जैसे प्री अप्रोच करता है देन यू विल स्टार्ट इनटू प्री मोड बेसिकली आप प्री के ऑब्जेक्टिव के लिए जाएंगे या फिर विदाउट कैलकुलेटर आप प्रैक्टिस करेंगे देन मेंस सो सब्सिक्वेंटली इस तरीके से आप टेक ओवर करिए ठीक है और रहा डिसीजन की गेट करें ईएस करें मेरा ये कहना है कि आप ईएससी सेलेक्ट करिए बिकॉज इट्स अगर आप ईएससी का कंप्लीट कर लेते हैं सिलेबस देन गेट is not that difficult because it covers it's a subset I would say gate ka syllabus jo hai and ESE is a superset but still agar aapko lagta hai ki nahi syllabus kafi bada hai then gate is also good because uska syllabus thoda comparatively less hai ESE ke aur less time consuming bhi rahega agar koi aspirant doubtful hai agar isko doubt lag raha hai but still I would say ki ESE ke liye jaiye because it opens up more opportunities for you both of the elite examination right
तो मतलब वी कैन स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन अभी से शुरू करना बिल्कुल चाहिए अभी से कर थर्ड फोर्थ ईयर से बच्चे शुरू कर सकते हैं। सो मेंस एग्जामिनेशन पे अगर मैं आता हूँ फिर से कि मेंस एग्जामिनेशन इज अ 6 आवर्स एग्जामिनेशन 300-300 मार्क्स के पेपर होते हैं पूरा आपका कोर सब्जेक्ट विदाउट एनी जीएस राइट हाउ वाज योर डी डे आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने एक चीज़ बोली कि डी डे मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस कंपेयर करूँगा 2018 और 2019 का 2018 का प्री मेरा प्री सही गया था काफ़ी अच्छा था 2018 का मेरा मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ था सो पूरा तैयारी होने के बावजूद भी दैट डे डिडंट गो वेल फॉर मी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम था तो आई मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स बिकॉज मैं मेरा माइंड थोड़ा काम नहीं था आई वॉज नर्वस कि यार एग्जाम खराब ना हो जाए बिकॉज इन टेस्ट आई यूज टू डू वेरी वेल तो एक पेशेंस और कामनेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और सिमिलरली अगर मैं 2019 का कंपेयर करूँ तो मैं जो भी सीख के आया था अपनी गलतियों से जो याद करके आया था वो मैंने अच्छे से अप्लाई किया और उस दिन काम रहना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप थोड़ा सा हाइपर हो जाएंगे या थोड़ा नर्वस हो जाएंगे तो आपका एग्जाम खराब होने के काफी चांसेस यू स्टार्ट ऑफ एनी क्वेश्चन वो क्लिक ना करें नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूरा पेपर मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं और क्वेश्चन सिलेक्शन सबसे पहले ही कर लीजिए व्हाट आई यूज्ड टू डू इज बिफोर स्टार्टिंग ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन आई यूज्ड टू सिलेक्ट द क्वेश्चंस किस ऑर्डर में करना है कई बार ऐसा होता है कि कंपलसरी थोड़े टफ लग रहे होते हैं जरूरी नहीं कंपलसरी को सबसे पहले ही करें बेटर स्टार्ट ऑफ विद अ क्वेश्चन जिसको आपको थॉरली आता है तो आई यूज्ड टू मार्क कौन से 5 क्वेश्चंस करने हैं 1 और 5 तो करने हैं उसके अलावा 3 कौन से करने हैं प्रायोरिटाइज करके उसके बाद मैं करता था तो एंड आई अप्लाइड इट और 2019 में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बिकॉज जो 2018 मैंने गलतियाँ की थी जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट नहीं किए सही से और गलतियाँ काफ़ी कैलकुलेटर से मिस्टेक की तो ये सब मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करी थी बिफोर दिस ईयर्स पेपर और वो मैंने मिस्टेक्स अवॉइड की तो डी डे मतलब जो एग्जाम वाला दिन उस दिन काम रहना 6 घंटा का काम रहना बहुत जरूरी है बिकॉज और काम रहना भी चाहिए बिकॉज देयर इज नो नीड टू वरी इतना टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं 1-1.5 साल से तो रिजल्ट्स विल बी डेफिनेटली गुड तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए आई थिंक ओके सो अब आते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन हाउ वॉज योर इंटरव्यू 2018-2019 आप अभी ऑलरेडी यू आर सर्विंग राइट सो दोनों इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके कैसे रहे हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे सबसे पहले 2018 में जब मैंने दिया था तो आई सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन पर्सनालिटी टेस्ट दैट ईयर एंड दिस ईयर आल्सो माय मार्क्स वर वेरी गुड लास्ट ईयर आई गॉट 140 दिस ईयर आई गॉट 132 एनीथिंग अबव 120-125 आउट ऑफ 200 सिंस 200 पर्सनालिटी टेस्ट सो वेरी गुड आई वुड से तो अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ तो देखिए क्या होता है अगर हम समझें इंटरव्यू को या पर्सनालिटी टेस्ट को तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में दे हैव ऑलरेडी टेस्टेड योर टेक्निकल नाउ अपना टेक्निकल टेस्ट नहीं करने दे आर ट्राइंग टू टेस्ट योर पर्सनालिटी इन अ सेंस कि आप काम रहते हैं कि नहीं आप कितना ट्रुथ बोलते हैं आपका बैकग्राउंड के बारे में आपको पता है कि नहीं वेदर सो मुझसे जब मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था तो दे आस्क फ्रॉम माय बैकग्राउंड इंदौर में कौन से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से देन दे वेंट इनटू द सिविल इंजीनियरिंग सो दे डोंट आस्क रैंडम क्वेश्चंस दे विल ट्राई टू रीड योर प्रोफाइल एंड देन आस्क और टेक्निकल से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इट्स मोर ऑफ अप्रोच बेस्ड यू कैन स्ट्रेट अवे से नो इफ यू डोंट नो अबाउट एनी क्वेश्चन यू डोंट नीड टू लाई बेसिकली सो ये समझना बहुत जरूरी कि आपका इट्स एन इंटरेक्शन इट्स नॉट एन इंटरव्यू कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप आंसर कर रहे हो थोड़ा सा फ्लूइड हो होता है थोड़ा सा इजी वे में अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और कुछ भी फेक करने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू में जो चीज़ आपको लगती है कॉन्फिडेंट वो बताइए जो नहीं लगती है वो मत बताइए क्योंकि नहीं बताने के मार्क्स नहीं कट होते हैं और आई वुड से रादर कि रादर देन इट्स अ क्वेश्चन आंसर सेशन इट्स मोर ऑफ एन इंटरेक्शन एंड शेयरिंग इट्स अ कन्वर्सेशन राइट सो इंटरव्यू पैनल्स आपका अप्रोच चेक करते रादर देन द रिजल्ट एंड द आउटकम राइट हो सकता है आपका आंसर एंड में गलत हो लेकिन आपकी अप्रोच हो सकता हो सही हो कि हाँ इसके बाद ये करना चाहिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा टेक्निकल का कि फील्ड पे गए सॉइल एक्सप्लोरेशन करना है तो क्या स्टेप्स होंगे कुछ स्टेप्स आप मिस कर सकते हैं कुछ गलत बोल सकते हैं बट अप्रोच दे वुड टेस्ट सो दैट इज वॉट इंपॉर्टेंट एंड कीप योर कंपोजर और जो गलतियां जैसे हैंड मूवमेंट्स और आई कॉन्टैक्ट और थोड़ा सा कैसे बैठना है कैसे आंसर करना है वो थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस करके जाइए तो बहुत हेल्पफुल होता है सर आपने ये सब पूरी प्रैक्टिस करके गए थे यस इट्स बिकॉज वो वाली एनालॉजी है कि यू कैन नॉट फेस शोएब अख्तर ऑन द डायरेक्ट ऑन द पिच आप अगर पहले प्रैक्टिस करके जाएंगे बाउंसर देन ओनली यू कैन हैंडल दैट बाउंसर राइट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पहले जरूरी है सो जब 2019 का मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन का बात करूँ तो जब आप इंटरव्यू दे के आए थे यू थॉट इट्स रैंक वन दिस टाइम नहीं देखिए रैंक वन का ऐसा होता है कि नहीं बता सकते बट कंपेयर टू लास्ट ईयर आई फेल्ट कि एवरी स्टेज वेंट वेरी गुड कंपेयर टू लास्ट ईयर और तो वो था कि नहीं यार कहीं ना कहीं टॉप 10 में तो आ ही जाऊंगा बट रैंक वन इज ऑलवेज अ सरप्राइज है इट्स अ चेरी ऑन द केक बेसिकली तो वो बहुत अच्छा लगा बाद में जब रिजल्ट आया सो आपके सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें अगर तो देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स और प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट्स आते हैं जरूरी मेंस में और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स एड ऑन होकर भी आ जाते हैं प्लस द पैटर्न ऑफ द सिलेबस कि इधर तो प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए मेंस में सब्जेक्टिव टाइप हो गए तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अगर बात करते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट देखिए आपने ये तो बता दिया कि सारे सब्जेक्ट्स कवर करने चाहिए बट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कैसे प्रायोरिटाइज करें वेटेज पे आप ध्यान देते हैं कि आपको जो आसान लगता है आपको जो टफ लगता है उस पर आप ध्यान दिए थे तो अगर पेपर वाइज बात करें मेंस के लिए पेपर वन के लिए तो पेपर वन मोर और लेस एनालिटिकल होता है इफ यू सी कि
न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, सब्जेक्टिव कम होते हैं. बिकॉज अगर हम पेपर वन में देखें तो नंबर ऑफ टॉपिक्स लेस हैं एज कम्पेयर टू पेपर टू. तो पेपर वन ऐसा है कि एनालिटिकली स्कोरिंग बहुत ज़्यादा होता है अगर आपने सही किया है. तो उसमें मेरा एडवाइस यही है कि इफ़ यू सी द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स या जो सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, देन देर इज स्टील है, देन रीइन्फोर्स कॉन्क्रीट है, देन स्ट्रक्चरल एनालिसिस है. सो ये टॉपिक्स मोर बहुत एनालिटिकल हैं. इसमें स्पेशली आरसीसी और अगर मैं उसको हटा दूँ, आरसीसी और डिज़ाइन वाले जो हैं, आरसीसी और स्टील को, तो सोम है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, और तो आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस है. इनको तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से करके जाना है. अच्छा. बिकॉज आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो आप अच्छे से कर पाएंगे. प्रॉब्लम क्या होता है अगर पेपर वन में ही देखें तो सेक्शन ए भी होता है, सेक्शन बी भी होता है. सेक्शन ए में मोर और लेस ज़्यादा एनालिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, सेक्शन बी में दे पुट डिज़ाइन प्रॉब्लम्स मोस्टली. तो मेरा सजेशन ये रहता है कि सेक्शन ए वाले टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से करिए. सेक्शन बी में भी आरसीसी और जो आपका स्टील है वो कवर तो करना ही है, बट उसमें क्या होता थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि डिज़ाइन वाले प्रॉब्लम में पूरा मार्क्स नहीं मिलता करने के बाद भी. 20 आपने किया तो हो सकता हो 14, 15 ने, बट अगर आप दूसरे टॉपिक्स करते हैं तो दे विल गिव यू 18, 19. तो प्रायोरिटाइज इन दैट मैनर. पेपर टू में अब बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर टू में बहुत सारे टॉपिक्स हैं. तो आई विल जस्ट लिस्ट आउट सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक सॉइल हुआ, एनवायरमेंट हुआ, देन देयर इज फ्लूइड मैकेनिक्स, देन वी हैव सम माइनर टॉपिक्स लाइक इरीगेशन, हाइड्रोलॉजी, रेलवे, एयरपोर्ट, हार्बर, ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो कम्स इन द मेजर. तो जो माइनर वाले हैं उनके अलावा आप मेजर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. बेसिकली माइनर में ऐसा है कि आप Z2M स्ट्रेटेजी फॉलो करता था, किस टाइप के क्वेश्चन आए उस टाइप की प्रैक्टिस कर ली अगर टाइम कम है. इफ देयर इज अ टाइम क्रंच देन फॉलो द Z2S स्ट्रेटेजी. बेसिकली जैसे देख लिया कि रेलवे में क्वेश्चंस किस टाइप के आ रखे हैं पिछले 20 साल में, उससे मैंने फॉर्मूला प्रिपेयर करके उस टाइप के प्रॉब्लम्स प्रिपेयर कर लिए. लेकिन मेजर टॉपिक्स थॉरो प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ऐसे ही किया था बिकॉज टाइम वाज लेस. तो इस तरीके से आपके मेन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करिए मेजर और माइनर में, और टाइम करिए सब. अगर लगता है कि टाइम कम है देन गो फॉर द मेजर कम्प्लीटली एंड माइनर Z2A कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड. सो माइनर सब्जेक्ट्स क्या है, बोल सकते हैं दे आर स्कोरिंग, आपका स्कोर बढ़ाते हैं, राइट? बिकॉज कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन सिलेक्ट करना होता है. तो अगर मान लीजिए माइनर का आपको दो क्वेश्चन में सिलेक्ट करना है और किसी एक क्वेश्चन में माइनर वाले ज़्यादा है, 10-10 मार्क्स के स्मॉल स्मॉल है, तो वो सिलेक्ट करने में आसानी रहेगी डायरेक्टली. तो यू कैन डेफिनेटली से कि कवरेज ज़्यादा है तो मार्क्स तो इंप्रूव होंगी, और क्वेश्चन सिलेक्शन में एंड में बहुत हेल्प कर जाता है अगर आपके टॉपिक ज़्यादा कवर्ड है तो. बिकॉज कम कवर्ड है तो देन यू हैव टू स्टिक विद सम प्रॉब्लम्स ओनली, सम क्वेश्चंस. बट अगर पूरा कवरेज है और माइनर भी आपने कवर कर लिया Z2A वाली स्ट्रेटजी से जो कि मैंने किया था, तो उससे ये होता है कि क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते हैं. आप ऐसा नहीं कि दो में डाउटफुल है तो आप अच्छा वाला सिलेक्ट कर लेंगे. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो प्रीलिम्स पे अगर देखें तो प्रीलिम्स में आपके एक्सपीरियंस के अनुसार व्हाट इज द वेटेज विच द एक सब्जेक्ट सबसे ज्यादा सॉम एक होगा ही मेरे ख्याल से, ठीक है? तो वेटेज वाइज अगर देखें तो किन सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए? दो कन्वेंशनल टॉपिक्स में बोलता हूँ, सोम हुआ, स्ट्रक्चर एनालिसिस हुआ, देन फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ, एनवायरमेंट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इनको ज़्यादा वेटेज दीजिए. बाकी थोड़े टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे थोड़े से रैंडम प्रॉब्लम्स आते हैं जो काफ़ी लोग को नहीं पता होता है, मुझे भी नहीं पता थे क्वेश्चंस. लाइक आरसीसी में काफ़ी रैंडम आते हैं, अर्थक्वेक में कई बार थोड़े से सब्जेक्टिव डिफिकल्ट आ जाते हैं, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स इन प्री जो कि हमें सब्जेक्टिव वे में आते हैं, और बिल्डिंग मटेरियल हुआ और स्टील हुआ, इसमें से थोड़े से वैसे प्रॉब्लम आ जाते हैं. तो मेजर जो एनालिटिकल वाले टॉपिक्स हैं उनको तो बिल्कुल अच्छे से करिए प्री के लिए, और जो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह हैं इनमें ऐसा होता है कि थोड़े सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कि नहीं पता होते हैं, तो उसको थोड़ा सा कम करके भी आप कर सकते हैं प्रिपेयर. दैट इज आई वुड एडवाइस. एंड व्हाट अबाउट मेंस? मेंस में सिमिलर वे जो मैंने बताया कि एनालिटिकल वाले पेपर में अच्छे से करिए, और जो डिज़ाइन वाले हैं उनको कर लीजिए, लेकिन उसमें डिज़ाइन वाले प्रॉब्लम्स कई बार ऐसे आ जाते हैं नहीं सॉल्व कर सकते. तो सोम, स्ट्रक्चरल, देन योर स्टील, आरसीसी, दिस आर टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. माइनर में यार ऐसा होता है कि सीपीएम पर्ट बहुत ईजी होता है, उसको भी अच्छे से करिए पेपर वन में. अच्छा, ठीक है. और पेपर टू में माइनर वाले आप ध्यान रखिए, अगर कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, और एक बार प्रीवियस ईयर जरूर देख लीजिए. अच्छा, तो आपने Z2A स्ट्रेटजी, दैट वाज योर स्ट्रेटजी दैट यू फॉर माइनर, फॉर माइनर माइनर वंस, राइट? सो प्रीलिम्स में अब सिंस मैं फोकस अभी ज्यादा प्रीलिम्स पे रख रहा हूं क्योंकि अभी ही ज्यादा एस्पिरेंट्स रहते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द वर्ड ऑफ एडवाइस अगर किसी बच्चे का प्रीलिम्स नहीं निकलता है, मोस्ट इंपोर्टेंटली? तो वी विश की मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्वालिफाई डेफिनेटली. सो शुड ही अगेन गो फॉर ESE प्रिपरेशन? क्योंकि बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड दे बोलते हैं गेट इज ईजियर, और गेट निकल के दे चूज द करियर पाथ. ये होता है, दिस इज द ट्रेंड, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक दे शुड गो फॉर ESE? अभी होता है क्या, जैसे प्री हुआ, रिजल्ट आया, लग रहा नहीं, तो आप गेट तो अच्छे से दे लीजिए, बिकॉज उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है, दैट आई टोल्ड अर्लियर. लेकिन ESE में क्या है कि अगर मान लीजिए प्री नहीं हुआ है तो आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रखा है, नाउ यू जस्ट नीड टू करेक्ट दोज मिस्टेक्स. सो ऐसा नहीं कि एक अटैम्प में नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए, बिकॉज कॉम्पिटिशन तो हम समझ रहे हैं, UPSC का एग्जाम है तो है ही सही. आई वुड एडवाइस कि आपने तैयारी पूरा कर रखा है तो फिर से दीजिए एग्जाम. गेट पहले कर लीजिए कंप्लीट, और फिर से गेट करने के बाद जो भी आपका अगर PSU मिल रहा है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ज्वाइन कर लीजिए, उसके साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं. इट्स नॉट दैट हार्ड, आई वुड से, क्योंकि आपने मेजर प्रिपरेशन कर रखा है. मान लीजिए प्री में नहीं भी हुआ तो डोंट लीव इट, बिकॉज
हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में निकल जाएगा. ओके राइट. सो आपने बताया कि पीएससीयू के साथ ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं. राइट. द सेम थिंग वॉज डन बाई यू और आपने सेल्फ स्टडी ही करी है मोस्टली. वॉट डू यू थिंक शुड बी अ रूटीन किसी बच्चे किसी एस्पिरेंट के लिए आई शुड से हु इज हैविंग अ 9-to-5 जॉब. जैसे बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप में आपने काम करा, कोई ऑलरेडी पीएसयू भी ज्वाइन कर चुका होगा, व्हाट शुड बी द रूटीन, व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट स्ट्रेटजी फॉर दो स्टूडेंट्स? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो वीकेंड होते हैं उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है. थोड़ा सा खुद को कट ऑफ तो करना पड़ेगा बिकॉज अगर आप जॉब के साथ कर रहे हैं तो जॉब छोड़ भी नहीं सकते. तो वीकेंड वाले डेज को पूरा यूटिलाइज करना पड़ेगा. अगर सैटरडे संडे ऑफ है या सिर्फ अगर संडे ऑफ है तो उसको आपको पूरा यूटिलाइज करना है. प्लस जितना भी टाइम बचता है आप मेजर टॉपिक से स्टार्ट करिए जो हमने भी डिस्कस किए हैं उसको कवर करना बहुत जरूरी है. और थोड़ा लंबा टाइमलाइन लेके चलिए. ऐसा नहीं आप सोच रहे कि जॉब के साथ आप 3 महीने में निकाल सकते हैं, दैट इज डिफिकल्ट. लेकिन अगर अभी आपने जॉब ज्वाइन किया तो हैव 10 or 11 months विथ यू और मेजर टॉपिक्स देन माइनर टॉपिक्स. जो टाइम डेली बचता है रूटीन में रहिए कि जॉब के बाद आइए एक डेढ़ घंटा रिलैक्स करिए विच आई हैव सीन पीपल डू. उसके बाद आप फोकस करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए और टाइम थोड़ा वेस्ट करना अवॉइड करिए क्योंकि वीकेंड पैसा होता है, थोड़ा सा चिल मारने का मूड होता है. करिए थोड़ा सा जो आपका हॉबी उसको फॉलो करिए. उसके अलावा यू फोकस ऑन मेजर टॉपिक्स देन गो टूवर्ड्स माइनर देन सॉल्व टेस्ट. तो लंबा टाइमलाइन लेके चलिए, थोड़ा सा 10 to 12 months का. इट्स अ जर्नी, इट्स अ जर्नी, राइट? इट्स अ मैराथन आई वुड से. So, working days, weekdays में 2-3 घंटे I think 2 or 3 घंटे ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं. अगर आप 2 घंटे भी efficiently पढ़ रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक या टॉपिक के भी पार्ट्स तो एक प्लान लेके चलिए कि इस मंथ मुझे खत्म करना है. अगर आप जॉब के साथ है अच्छे से प्लान बनाइए कि नहीं इस वक्त 2 टॉपिक खत्म हो सकते हैं 2-2 hours करके. वीकेंड पैक एंड स्टडी 6-7 hours. तो इस तरीके से प्लान कर लीजिए पूरा मंथ या फिर वीक जो है उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी. 2 hours आई थिंक इफ यू आर गेटिंग 2-3 hours इट्स वेरी गुड. 2-3 hours is more than enough. मतलब it अगर effectively use करें. Right, but you have to plan it for a longer duration. 10 months or 12 months or more than that, maybe with job. So आपने बताया कि जो तैयारी होती है, it should be done in such a way जिसमें कि बच्चे mains के point of view से ही तैयारी करें. They are not focusing on prelims because अगर mains कर रहे हैं तो prelims हो जाती है. But ये भी तो एक point आता है ना कि detailed पढ़ रहे हैं. But MCQ based होती है prelims. What is that time कि आदमी dedicatedly prelims के लिए सोचना शुरू करे? ये बहुत important है. देखिए क्या होता है, कई बार majorly test series October से शुरू होती हैं. Yes. तो खुद को जुलाई से रेडी कर लेना है प्री के मोड में क्योंकि जुलाई से आप प्रीवियस ईयर फिर से लगाना चालू करिए प्री का. जुलाई अगस्त में लगाइए, सेप्टेम्बर में GS पढ़ लीजिए एक बार और फिर अक्टूबर में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए. सो आई वुड से आइडियल टाइम इज अलाउड जुलाई और अगस्त बेसिकली. जुलाई टू अगस्त इज आइडियल टाइम टू स्टार्ट डेडिकेटली प्रिपेयरिंग फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. वो सही टाइम है. 2-3 महीने खुद का प्रिपरेशन हो जाएगा, देन यू स्टार्ट विद द टेस्ट सीरीज. जैसा टेस्ट सीरीज चल रहा है आपको फ्लो के साथ चलते जाना है. फिर यू डोंट नीड टू थिंक एनीथिंग. वो टेस्ट सीरीज से अपने आप आपका प्रिपरेशन होता जाएगा फिर फ्रॉम अक्टूबर नवंबर एंड फ्रॉम दिसंबर आप रिवीजन करिए लास्ट मंथ. मतलब 4 months डेडिकेटेड अकॉर्डिंग टू इज मोर देन इनफ फॉर प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन क्योंकि उसका वेटेज भी रहता है आपके आगे चल के भी. मार्क्स इंक्लूड होते हैं, सारे मार्क्स काउंट होते हैं. राइट. सो व्हाट अबाउट जीएस पोर्शन? दे से फॉर ऑल, क्योंकि ये 4 ब्रांच का होता है जो 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, दे से कि 30-40% ऑफ सिलेबस फॉर मैकेनिकल सिविल. तो वो दे हैव एन एज, इज इट ट्रू? मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं रहा है कि जीएस किसी ब्रांच को ज़्यादा एडवांटेजेस है. इफ़ यू सी क्वेश्चंस लास्ट 3 ईयर में तो काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं. पहले ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग ज़्यादा आया, लास्ट ईयर थोड़े से आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन कैसे क्वेश्चन थे ज़्यादा लोगों को नहीं पता होते हैं. सिविल का भी अगर होगा तो थोड़ा जनरल होता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं इलेक्ट्रिकल के. तो आई डोंट थिंक कि किसी ब्रांच को ज़्यादा एडवांटेजेस है सिविल. अगर आपने बुकलेट्स अच्छे से पढ़ी हैं जीएस की सारी 10 और प्रैक्टिस किए तो यू विल बी ऑन पार विद अदर एस्पिरेंट्स फ्रॉम अदर ब्रांच. एंड एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपकी ब्रांच में कंपटीशन आपके लोगों के साथ ही है. यस. इट्स नॉट अबाउट कि आप इलेक्ट्रिकल वाले से कॉम्पीट कर रहे हैं. हाँ. आप तो सिविल वाले से कॉम्पीट कर रहे हैं ना. हाँ. तो सेम है आप, अगर आप दोनों सेम स्टेज में तो यू डोंट नीड टू कंपेयर विद अदर ब्रांच के उनके लिए जीएस आसान हो गया. यस. कंपेयर विद योर ओन ब्रांच बिकॉज दैट्स आपका फाइनली रैंक लिस्ट तो आपकी सेम ब्रांच में बनेगा, सिविल या मैकेनिकल जो भी है. Yes. तो वो इतना कॉज ऑफ वरी नहीं है. यू हैव टू बी द बेस्ट इन योर ब्रांच. जीएस में भी मैं वही बोल रहा हूँ कि ऑल्दो सबके लिए आता है लेकिन आपका मार्क्स कॉम्पिटिशन आपके ब्रांच वालों के साथ है. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट अदर्स. सो वॉट इज द आइडियल मार्क्स, मतलब एक इतना रखना चाहिए कि आप मेंस, मतलब आप एक रैंक होल्डर निकलोगे आफ्टर योर इंटरव्यू. देखिए मेंस प्रीलिम्स के बाद कट ऑफ तो आके बहुत सारे बच्चे निकल, बट व्हाट इज योर आइडिया कि इतना मार्क्स होना चाहिए टू बी अ रैंक होल्डर आफ्टर द इंटरव्यू प्रीलिम्स एंड मेंस में? तो प्री की बात करें तो 240-250 इज अ गुड स्कोर. ओके. बिकॉज प्री में थोड़ा मुश्किल होता है स्कोर ज्यादा करना. एंड मेंस में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है तो मेजर मार्जिन मेंस में क्रिएट होता है. तो एनीथिंग अबाउ 370-380 आउट ऑफ 600 बहुत अच्छा स्कोर होगा, आप डेफिनेटली रैंकर बन जाओगे. बिकॉज इंटरव्यू में अगर आप कम भी स्कोर करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट में तो आपका रैंक आ जाएगा. तो इन प्री आई वुड से 250 टारगेट 250 प्लस. इन मेंस ऑफ 400 इज अ वेरी गुड स्कोर बट थोड़ा मुश्किल भी होता है. बट 370-380 प्लस अगर आपका है
तो आप डेफिनेटली एक रैंक आपको दे देगा 240-250 शुड बी द ब्रैकेट जो हम रखे प्रीलिम्स के लिए एंड 370 अराउंड 380 मोर देन 380 380 इज एन आइडियल स्कोर टू गेट अ रैंक यही टारगेट रखना इतना मिनिमम अगर आप ज्यादा बहुत अच्छी रैंक टारगेट कर रहे हैं टॉप 10 देन आई वुड से 270 फॉर प्री एंड 400 फॉर मेंस ओके बिकॉज़ व्हाट वाज योर स्कोर सो माय स्कोर इन प्री इट वाज 286 एंड इन मेंस 424 Wow. And in interview 132, really so it was 842 out of 1300. That is very good. So आपने काफी सारे mock tests दिए हैं, right? कि और एक अच्छे preparation के बाद जब आप mock test देना शुरू करते हैं जुलाई अगस्त में जो आपने बताया, कई बार ऐसा भी होता है learners के साथ, आपके साथ I don't think so it's वो हुआ होगा कि marks नहीं आए अच्छे, the score you expected is not there, right? So फिर वहाँ से कैसे खुद को cope up करना है, वहाँ से क्या strategies रखनी है, what should be done? हाँ ये इंपॉर्टेंट है जर्नी में ऐसा होता है कि मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं मतलब जितना एक्सपेक्ट किया होता है उतना नहीं आता मेरे साथ ऐसा एक दो टेस्ट में हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सबसे पहले ये कि सबसे पहला सोचने की जरूरत ये है कि ये तो सिर्फ एक टेस्ट था इट्स नॉट द फाइनल एग्जाम तो यू जस्ट ब्रीद नॉर्मली बिकॉज इट्स नॉट अ प्रॉब्लम अभी आपका फाइनल एग्जाम नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट्स लाइक अ साइन कर्व बेसिकली अगर आपका किसी टेस्ट में अच्छा नहीं आया आप लो पे हैं देन मोटिवेट करने के लिए सबसे ज़्यादा सोचना ये जरूरी है कि इट विल ओनली गो अबव फ्रॉम देयर अगर आप बॉटम मोस्ट पे हैं या कम मार्क्स हैं नहीं अच्छा हो रहा है तो स्टार्ट थिंकिंग कि वाई यू स्टार्टेड क्यों आपने जर्नी स्टार्ट की थी बिकॉज ये माइंड में रखना बहुत जरूरी कि अप्स एंड डाउन आते रहेंगे कई बार मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो रादर देन थिंकिंग की गलती हो गई अच्छा नहीं हो रहा है थिंक कि कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं जो गलती मैंने की है तो मेरा यही स्ट्रैटेजी रहता था जहाँ मैं गलती करता था उसको मैं लिख लेता था अलग से कि यार नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करना कई बार क्वेश्चन सिलेक्शन में गलती हो जाती है कई बार फॉर्मूला गलत लिख दिया तो ये सब चीज़ें पर ज़्यादा फोकस करिए रादर देन थिंकिंग कि यार मार्क्स नहीं आ रहे अगर आप ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन आपको टैकल करने के लिए कुछ एलिमेंट्स ढूंढने होंगे कहाँ गलती हुई थी तो आई वुड एडवाइस कि आइडेंटिफाई दैट मिस्टेक एंड ट्राई टू करेक्ट इट इन द नेक्स्ट पेपर वन बाय वन हो सकता हो आप एक मिस्टेक उठाइए उसको करेक्ट करिए नेक्स्ट पेपर में नेक्स्ट मिस्टेक उठाइए फिर उसको अगले पेपर में करेक्ट करिए इससे होपफुली आपके मार्क्स जो है इंप्रूव होना शुरू होंगे बिकॉज इतना मुश्किल नहीं है अगर आपने कोई चीज़ अच्छे से कर रखी है तो मार्क्स तो डेफिनेटली आएंगे आपके अभी नहीं तो नेक्स्ट टू टेस्ट में रिजल्ट दिखेगा प्रीलिम्स में कितने टेस्ट दिए थे आपने आई थिंक 9 पार्ट टेस्ट 9 to 10 पार्ट टेस्ट एंड 3 full tests आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट अगर टाइम क्रंच कम है जैसे मान लीजिए ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने पिछली बार लिखा था अभी रिजल्ट आया रिजल्ट में नहीं हुआ और फिर से कर रहे हैं तो जस्ट गिव द फुल टेस्ट बच्चे ऑलरेडी छट चुके हैं गिने चुने बच्चे ही हैं एंड ऑल ऑफ देम नो द कॉन्सेप्ट तभी वो मेंस तक पहुंचे हैं राइट सो वहां पे क्या करना है वहां पे मिस्टेक्स करना इज अ स्टेक्स आर वेरी हाई वहाँ पे कैसे आपने हैंडल किया खुद को देखिए मेंस का वही है कि ज़्यादा स्कोरिंग होता है ज़्यादा मार्जिन भी वहीं से बनता है तो मेंस में प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा सब्जेक्टिव सॉल्व करना होता है स्टेप्स लिखने होते हैं तो वो आप जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ ध्यान रखनी है और कहीं भी किसी स्टेज पे नया फॉर्मूला मिल रहा है या टेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ देख ली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं जब टेस्ट देने गया ऑफलाइन जब मैं टेस्ट दे रहा था एक क्वेश्चन ऐसा आया जो मैंने फॉर्मूला पहले नहीं देखा था मैंने इसको स्किप कर दिया तो कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी जो आपने देख रखी है टेस्ट में या प्रीवियस ईयर में उससे क्या होता है वो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया इस बार एंड आई लॉस्ट 12 marks बिकॉज आई जस्ट स्किप दैट फॉर्मूला मुझे लगा ये रैंडम फॉर्मूला ये नहीं आएगा तो वो चीज़ बहुत ध्यान रखनी मेंस में वही है कि क्यू कैप जो होता है क्वेश्चन का आंसर बुकलेट उसके एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करना उस पर लिख के प्रैक्टिस करना जरूरी है जो आप टेस्ट जो आपके टेस्ट के थ्रू हो जाएगी और जो मोर और लेस आपका जो नोट्स बनेंगे मेंस के जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे जब आप प्रीवियस ईयर लगा रहे थे उसको उसका जो जैसे मान लीजिए एनवायरमेंटल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में डेटा है कि सीवर डिज़ाइन कैसे करना है या पाइप कंड्यूट डिज़ाइन कैसे करना है तो वो सब डिज़ाइन डेटा याद रखना है और फॉर्मूले तो एनीवे आपको याद ही होंगे क्योंकि प्री में याद कर रखें और मोर ओनली डिज़ाइन स्टेप से फोकस करना है जो आप डिज़ाइन स्टेप्स हुई जो प्रॉब्लम्स में या कुछ एनालिटिकल प्रॉब्लम तो स्टेप कैसे रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है ऐसा नहीं कि गंदी सी राइटिंग में आपने लिख दिया थोड़ा सा वो प्रैक्टिस करना है तो मेंस में यही चीज़ ध्यान रखनी क्वेश्चन सिलेक्शन और जो आपने प्रैक्टिस करके आए उसको अच्छे से क्यू कैप में करना है बेसिकली क्वेश्चन सिलेक्शन ये right. आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम बोली है सो प्रीलिम्स में फिर से शुरू करूँगा प्रीलिम्स में क्वेश्चन सिलेक्शन डूज एंड डोंट्स एक उस 5-6 घंटे का पेपर में जो हम देते हैं वो आपने व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी हाँ तो प्री में जीएस तो जैसा मैंने बताया कि 85 प्लस करेंगे तो मोर और लेस आपको हर एक क्वेश्चन गो थ्रू तो कर ही लेना है बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता होते हैं उसमें तो 85 प्लस आप जब करेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो जीएस तो इतना प्रॉब्लम नहीं है बात आती है सिविल टेक्निकल वाले पेपर की इसमें 3 hours होते हैं 150 क्वेश्चंस होते हैं दैट इज द गेम राइट उसमें सारे नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी कैलकुलेटिव भी होता है तो मेरा एडवाइस यही है कि मैं
स्टार्ट अगर आप देखेंगे पेपर तो 30-30 के सेट में क्वेश्चन होते हैं. ओके. सो इन 2018 मेरे पास जब मैंने पेपर दिया था तो 30 जो मेरा पहला सेट आया था, मुझे जो सेट मिला था उसमें रैंडम क्वेश्चंस पहले थे आरसीसी वाले, बिल्डिंग मटेरियल वाले. तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था. तो वो गलती नहीं करनी है. आई वुड एडवाइस कि जैसे जो टॉपिक से सोम हुआ, एनवायरमेंट हुआ, यहाँ से स्टार्ट कीजिए ताकि आप जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन सारे कर लेंगे आप. कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन 3 मिनट्स लग रहा है या 2.5 मिनट्स लग रहा है. बिकॉज इफ यू सी देर इज हार्डली 1 मिनट पर क्वेश्चन इन प्री इन टेक्निकल पार्ट. तो ऐसा क्वेश्चन एट फर्स्ट ग्लैंस राउंड मार्क करके उसको मार्क करके आगे बढ़ जाइए. बिकॉज 2 एंड 2.5 मिनट हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट राउंड में जब कंप्लीट होने के बाद एक बार सारे गो थ्रू कर लेंगे फिर हम आ सकते हैं अगर टाइम बचता है तो. टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. राइट राइट राइट. तो आप कन्वेंशनल जो टॉपिक्स हैं, जो इजीली सॉल्वेबल टॉपिक्स है, सोम वगैरह, उनसे स्टार्ट करिए. पूरा पेपर गो थ्रू कर लीजिए. ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है, हो जाएगा कैलकुलेशन ज्यादा, उसको छोड़ के फिर से वापस आइए. पहले बार मत करिए. आई थिंक दैट शुड बी द स्ट्रेटजी. पहले आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कवर करना चाहते हैं. सारे रीड करना जरूरी. कई बार ऐसा होता है कि टुवर्ड्स द एंड हमने कुछ क्वेश्चन देखे नहीं लेकिन वो आसान थे. तो सारा गो थ्रू करना, पेपर को रिव्यू करना जरूरी है एक बार पूरा कंप्लीटली. अच्छा, प्रीलिम्स की डूज एंड डोंट्स की बात हो गई. कमिंग ऑन टू द डूज एंड डोंट्स ऑफ मेंस, यहाँ पे क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए इज मोर इम्पॉर्टेंट. क्या होना चाहिए स्ट्रैटेजी? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था मेंस के लिए, सबसे पहले कि स्पेस देखना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले एक बार फ्लिप करके देख लीजिए कितना स्पेस है. क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, 20 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने उठाया एंड मैंने अराउंड 12-13 मार्क्स का सॉल्व किया होगा मुझे लगा, और वो क्वेश्चन स्पेस खत्म हो गया बिकॉज मैंने फ्लिप करके नहीं देखा था. सेलेक्ट करने के बाद बहुत ज़रूरी है स्पेस कितना दिया है, बिकॉज लिमिटेड ही होता है स्पेस. तो थोड़ा आंसर प्रिसाइज रखना होता है एंड कंसाइज रखना होता है. यू डोंट नीड टू एलेबोरेट मच अगर स्पेस ज़्यादा है तो. ये चीज़ ध्यान रखनी है. और जब आप पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, दे गिव यू सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू गो थ्रू द पेपर. इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िए. ऑल दो सेम ही रहेगा सब कुछ, लेकिन हो सकता है कुछ सरप्राइज हो इंस्ट्रक्शन में, इसलिए इंस्ट्रक्शन मत अवॉइड मत करिए. यू डू रीड दैट. उसके अलावा क्वेश्चन सिलेक्शन शुरू में कर लीजिए. ऐसा इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा बिकॉज एंड में क्या होता है कि हम लोग जब टाइम कम बचता है, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, हम लोग फिर घबरा जाते हैं कि कौन सा करूँ समझ में नहीं आ रहा है. तो शुरू में जब 3 घंटे कंप्लीटली होते हैं, जब 5-10 मिनट्स मिलता है, पहले क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और ऑर्डर में सेलेक्ट करिए कि कौन सा मुझे पहले करना है जो मुझे अच्छे से आता है. प्रायोरिटाइज कर लीजिए. जरूरी नहीं है कि कंपलसरी क्वेश्चन आप पहले करें. इट्स नॉट इंपॉर्टेंट. जो आपको अच्छे से आते हैं, मान लीजिए कुछ 60 मार्क्स के होते हैं पर क्वेश्चन, तो वो पहले सेलेक्ट करिए. उसके अलावा कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है, इसका एडवाइस है कि पहले से प्रैक्टिस करके आइए, क्योंकि बहुत सारे उसमें फंक्शंस होते हैं जो नहीं पता होते हैं और जो काफ़ी हेल्प करते हैं. तो वो चीज़ ध्यान रखिए और खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए. आई थिंक इतना भी मुश्किल नहीं है. मेजर जर्नी आपका कवर्ड है, सब कुछ तैयार है. बस उसको इस तरीके से दीजिए एग्जाम को, इतना प्रेशर मत लीजिए खुद पर. जस्ट थिंक कि यार इट्स अनदर टेस्ट विच आई हैव टू परफॉर्म वेरी वेल, दैट्स इट. अनदर मॉक और मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा, बहुत अच्छा जितना मैं कर सकता हूँ. ओवर थिंक करके ओवर प्रेशर करने से कुछ नहीं होगा. प्रेशराइज. सो डीडीए में काम रहना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. राइट. यस. सो इट्स बीन अमेजिंग. बहुत मजा आया अबुजर हमारे आप हमें आपके साथ. सो वी हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. वी विल हैव अ रैपिड फायर राउंड. ठीक है. देयर आर ओनली 2 रूल्स. यू हैव टू बी ट्रूथ ट्रू एंड यू हैव टू बी फास्ट. ओके. ठीक है. 4-5 क्वेश्चंस पूछूंगा. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर यू एक्साइटेड अबाउट दीस डेज? Joining railways. Okay. Right. And any recent hobby you have developed? Started singing. You started singing? Yeah. Some of my friend, not a hobby, just exploring actually. One of my batch officer colleague in Central Water Commission. So I've started enjoying it. Let's see how it goes. What is the most proud moment you had? I think it was this year's rank one. I would say because मेरे लिए तो ठीक है, but मेरे parents के लिए बहुत ज़्यादा proud था and everyone started calling. And obviously there is news in the newspaper as well. So सबसे ज़्यादा moment मेरे लिए proud feeling वही था कि मेरे parents को मैं proud कर पाया. I think that's the best part. हाँ, ये it's absolutely right. It's above IIT. Correct. IIT is क्या mold हो रहे हैं, but कुछ ऐसा achieve नहीं किया उसके बाद. अगर आप कुछ करते हैं then it's counted, I would say. So again it's a very interesting question that I have for you. What would you have told your 13-year-old self? मैं बहुत पढ़ाकू था उस टाइम पे. तो उसके अलावा मैं ज़्यादा चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पाया. तो मेरा एडवाइस ये है कि और भी चीज़ें एक्सप्लोर करो, और भी चीज़ें करो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज ऑल्सो. यू कैन स्टार्ट नाउ. राइट. यू कैन स्टार्ट नाउ. अब एक्सप्लोर कर सकते हो. हाँ, दैट आई एम डूइंग राइट नाउ. ओके. सो आई थॉट मे बी बैक इन टाइम व्हाट वुड यू टोल्ड इट्स एक्चुअली द सेम थिंग. एंड आई एम डूइंग, आई लव प्लेइंग टेनिस ऑल्सो. सो आई प्लेड इन द कॉलेज. अच्छा. या and I follow football, so those things I couldn't do that nice. time. So ab apna domain bada right domain badhane ki koshish kar rahe hain. And I don't think you have had any, but what has been your biggest weakness? Biggest weakness is I think too much sometimes. Kai baar cheeze taiyari mere sath aisa hua bhi tha first attempt mein, shayad wo bhi ek main reason tha main acha nahi kar paya ki overthink kar leta hu cheezon ko, kya hoga acha nahi hoga. Thoda sa kaam
टुवर्ड्स द एंड मोमेंट जब डिलीवर करना हो थोड़ा सा वरी हो जाता हूँ. आई थिंक वो थोड़ा वीकनेस है मेरा, आई एम ट्राइंग टू ओवरकम इट. एंड इस एग्जाम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तो वो चीज़ होपफुली इन प्रोग्रेस है. यू हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस अमेजिंगली वेल. ठीक है, मजा आया हमें बहुत अच्छा. सो वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू अगेन जो बेस्ड ऑन योर आंसर्स. दिस इज फ्रॉम टीम एंड अकेडमी. थैंक यू. कीप इट, एंजॉय इट, एक्सप्लोर इट एक्चुअली. ओके ग्रेट. सो नाउ कमिंग, एक वर्ड ऑफ एडवाइस, एनीथिंग जो आप हमारे लर्नर्स को देना चाहेंगे अभी आने वाले एग्जामिनेशन के लिए. सो 5th जनवरी 2020 को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग सर्विसेज का. आई थिंक सबसे मेरा एस्पिरेंट को एडवाइस यही रहेगा कि आपने मेजर तैयारी, मेजर जर्नी, मेजर जो हार्डवर्क है वो आपने कर रखा है. नाउ इन दिस लास्ट मंथ यू हैव टू कंसोलिडेट, आपको रिवाइज करना है जो आपने पढ़ा है, कुछ नया नहीं पढ़ना है. काम और पेशेंट रहना है क्योंकि आपकी मेजर तैयारी हो रखी है. कुछ ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है. जो गलतियाँ आप टेस्ट में करते थे उसको याद रखना है, और गेट के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करना है. एंड हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ, बिकॉज आप डेफिनेटली सक्सीड करेंगे. इतना अपने आप पे ट्रस्ट रखिए. ओके, थैंक यू. कीप योरसेल्फ काम और आप सारा चीज़ नेल कर लेंगे. दैट इज राइट. राइट. सो इट्स बीन अमेजिंग. एनी एक हेल्प लेंगे हम आपसे डेफिनेटली. एनी स्ट्रेंथ, एनी रैंक होल्डर ईएसई में दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट हू कैन कम विद अस एंड शेयर हिज जर्नी विद. I would like to nominate Vijayan Garg, who is this year's AR16 in Civil Engineering 2019. Okay. He is one of my colleague in Central Water Commission. Okay. So I would like to nominate him for the interview. So Vijayan, we expect you to come on the show next time. Thank you, Abuzar. It's been amazing. I want to thank Unacademy for bringing me to this platform to share my experience. Thank you so much. Thank you so much.